हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? टुडे आवर लेक्चर इज 9.3। वी वर स्टडीइंग अबाउट वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हम लाइट की वेव नेचर को डिस्कस कर रहे थे। तो कोई चीज अगर वेव है तो उसे इंटरफेरेंस शो करनी होगी। तो हम चूंकि कह रहे हैं कि लाइट की वेव नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी इंटरफेरेंस को हम पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। में क्या पढ़ा था? यंग तो नेम हुआ साइंटिस्ट का, डबल स्लिट से मुराद दो रास्ते। पढ़ा उसमें क्या था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमने कहा था स्क्रीन के ऊपर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, डार्क ब्राइट बैंड बनते हैं। वो बैंड जो हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। तो एक एग्जांपल तो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये शो किया कि लाइट इंटरफेरेंस शो करती है। ये दूसरी एग्जांपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, ये दूसरी एग्जांपल है। द टाइटल इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ये जो लफ्ज है थिन फिल्म, ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय थिन फिल्म? सबसे पहले थिन फिल्म का तारुफ है। थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम मीन मटेरियल मीडियम। वो पानी हो सकता है, वो आयल हो सकता है, कुछ गिलास हो सकता है, वो प्लास्टिक हो सकती है। ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट क्रॉस कर जाए, जिसमें से आप देख सकते हैं, ये मकसद है ट्रांसपेरेंट। थिन फिल्म क्या है? इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। शीशे का एक छोटे से आप एक प्लेट ले लें, शीशे की ये गिलास प्लेट, दैट इज ए थिन फिल्म। आप इसी गिलास प्लेट के ऊपर पानी की लेयर लगा दें, इसको गीला कर दें, इसके ऊपर वाटर फिल्म आ जाएगी। आप इसके ऊपर सोप बबल्स साबुन की झाग की एक लेयर लगा दें, वो सोप फिल्म बन जाएगी। तो पहले तो ये क्लियर करें कि फिल्म से मुराद क्या, थिन फिल्म चीज क्या है। अपने जहन में देखें कि आपने कहां कहां फिल्म देखी। ये फिल्म से मुराद वो नहीं है जट दा खड़ाक, बहार हो फूल बरसाओ, ये वो फिल्म नहीं है। हमारे जहन में तो वही फिल्म रहती है। ये है मटेरियल फिल्म, मटेरियल पीस। जैसे मैंने कहा है शीशे का एक टुकड़ा हो, उसके ऊपर आप पानी की लेयर लगा दें, तो बारीक सी कोई भी मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है, दैट इज अ थिन फिल्म। थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हूज थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है, मिसाल के तौर पर कोई भी शीट है उसकी थिकनेस तो होती है, उसकी जो थिकनेस है उसकी मोटाई उस फिल्म की उस शीट की कंपेयरेबल विद द वेव लेंथ ऑफ लाइट। वेरी वेरी थिन थिन, मामूली सी थिकनेस, जैसे बिल्कुल एक प्लास्टिक का बिल्कुल वेरी वेरी थिन पतला सा एक पेपर होता है। कंपेयरेबल विद द वेव लेंथ ऑफ लाइट से क्या मुराद है? उसकी थिकनेस और वेव लेंथ ऑफ लाइट आपस में मिलते जुलते हों, करीब करीब हों। इस लाइन को सिर्फ याद नहीं करना, इस पे गौर करना। फिल्म किसको कहते हैं? आप 2, 3, 4, 5 मिसालें दे सके और फिजिकल लाइफ में उनको देख सके। पानी है, पानी के ऊपर आप तेल ऐसे फेंक देते हैं तो आप देखते हैं पानी के ऊपर तेल की एक सतह बन जाती है, वो ऑयल फिल्म है। इसके हमने ये मिसाल भी दी है, ये वाटर है, इसके ऊपर ये आयल फिल्म, ये इसकी थिकनेस है डी।
ये मोटाई है फिल्म की, ये उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये लाइट है, इसके लाइट का कुछ हिस्सा ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ जाके नीचे से रिफ्लेक्ट होगा, एक ही लाइट के दो हिस्से बन गए, ये आप देख रहे हैं, आपकी आंखों में जाके मिल रहे हैं, टेलीस्कोप से आप देख रहे हैं, वहाँ इंटरफेरेंस हो रही है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मटीरियल हूज थिकनेस इज कंपेयरेबल विद द वेव लेंथ ऑफ लाइट। इसको पढ़ के इसको समझ ले फिर आगे चले। ब्रिलियंट साफ नजर आने वाले एंड ब्यूटीफुल खूबसूरत कलर इन सोप बबल्स, साबुन की झाग उसके ऊपर बबल्स, एंड इन ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पे झाग के अगर बुलबुले बने हुए हो या पानी की सतह पे ऑयल हो, लाइट जब सूरज की पड़ती है तो वो चमकते हैं, कई कलर आपको नजर आते हैं, क्यों? ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये एग्जांपल है कि लाइट में इंटरफेरेंस होती है, उसकी एक मिसाल दे रहे हैं। कंसीडर ए फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ये हमारे पास एक ऑयल लेयर है जिसकी थिकनेस फिक्स है, छोटी सी, वेरी नैरो। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मीन ऐसी लाइट जिसकी वेव लेंथ सिंगल हो, वैसे बल्ब से लाइट आ रही है, सूरज से लाइट आ रही है, इसमें सो मैनी वेव लेंथ होते हैं, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती। मोनोक्रोमेटिक लाइट का अलग सोर्स होता है, सोडियम लाइट होती है सिंगल वेव लेंथ, वेव लेंथ लैम्डा, उसकी लाइट की वेव लेंथ इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस, ये लाइट इसके ऊपर ये पड़ रही है, दिस इज अ इंसिडेंट लाइट। पार्ट वन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। पार्ट टू इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर सरफेस, लाइट एंटर होने के बाद यहाँ से लाइट क्रॉस भी कर जाएगी। लाइट तीन हिस्सों में, यानी कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, कुछ क्रॉस कर जाएगा, कुछ लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है। हमारा चूंकि ताल्लुक इनके साथ, पार्ट वन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस, पार्ट टू इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म, ये दोनों आप देख रहे हैं टेलीस्कोप में, आपकी आंखों में जाके ये मिल रहे हैं। देयर विल बी इंटरफेरेंस बिटवीन पार्ट वन एंड पार्ट टू, पार्ट वन और पार्ट टू के दरमियान इंटरफेरेंस होगी। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर विल बी ब्राइटनेस, अगर आपको यहाँ लाइट नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है, तो इसका मकसद है उनमें इन दो में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर आपको डार्कनेस नजर आ रही है, इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर विल बी डार्कनेस, यानी या तो आपको ये फिल्म जो है दैट विल लुक ब्राइट या दैट विल लुक डार्क। फिर सुने, when you will see there will be interference between these two parts one and two, you will see brightness yani roshni or you will see darkness yani andhera. Brightness is the result of constructive interference, hum pad chuke hain. Darkness is the result of destructive interference. Aap ye constructive aur destructive kab hogi, that depends upon the path difference. Ye yahan se reflect ho rahi hai, पार्ट टू देखें, ये इतना फासला ये ज्यादा तय कर रही है, पार्ट टू ने ज्यादा फासला तय किया है, पार्ट वन ने मिलने से पहले कम फासला तय किया है, उनका जो फर्क है दैट इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, ये बड़ी अहम बात है। देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, देयर विल बी ब्राइटनेस और डार्कनेस, ब्राइटनेस मीन्स कंस्ट्रक्टिव, डार्कनेस मीन डिस्ट्रक्टिव, और ये कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फिल्म, ये फिल्म का मटेरियल कौन सा है, ऑयल है तो ऑयल कौन सा है, वाटर सरफेस है तो वाटर कौन सा है, उसके अंदर कोई मिक्सिंग तो नहीं है या बिल्कुल डिस्टल प्योर वाटर है, सोप बबल्स हैं उनका साइज क्या है,
यानी फिल्म का मटेरियल क्या है, वो ऑयल है, वो सोप बबल्स हैं, वो कोई और चीज आपने पानी की लेयर पे रखी है। थिकनेस ऑफ द फिल्म, फिल्म की मोटाई कितनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट पड़ रही है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव वाला होगा या डिस्ट्रक्टिव वाला। नेचर ऑफ फिल्म यानी मटेरियल कौन सा है, थिकनेस उसकी मोटाई कौन सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तीन चीज। ये तो हमने कहा है कि ये रेगुलर थिकनेस है। अगर इरेगुलर थिकनेस हो, फिल्म की थिकनेस कहीं कुछ है कहीं कुछ है, चेंज हो रही है, और लाइट भी मोनोक्रोमैटिक नहीं है, जनरल लाइट है, तो फिर आपको डिफरेंट कलर नजर आएंगे। या तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगा, नजर आएगा तो वो एक कलर नहीं हो, सिर्फ ब्राइटनेस नहीं होगी, देयर विल बी सो मैनी कलर, स्पेक्ट्रम नजर आएगा। कब? जब थिकनेस यूनिफॉर्म ना हो और लाइट की वेवलेंथ भी सेम सिंगल ना हो बल्कि वाइट लाइट हो। वाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी कलर। तो छोटा सा लेक्चर है, इसको बार बार पढ़ें, दो चार तीन डायग्राम के ऊपर आप बतौर खास तवज्जो दें, पार्ट वन कौन सा है, पार्ट टू कौन सा है, इंसिडेंट लाइट कौन सी है, रिफ्लेक्टेड कौन सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये थोड़ी थोड़ी बातें जब आप जहन में लाएंगे तो टॉपिक आपको आसानी से समझ भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा, आप ये नॉलेज अप्लाई भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you.